हेलो गाइस, मेरा नाम है रूपेन पाटिल और आज मैं एक सोलो ट्रैक करने वाला हूँ। ये एक रेंज ट्रैक होगा जो कि चिरमादेवी वाटरफॉल से होकर टाइगर टॉप हिल तक जाएगा। चिरमादेवी वाटरफॉल संजय गांधी नेशनल पार्क का पार्ट है और ये वाटरफॉल थाने साइड में आता है। अगर आप मैप में चिरमादेवी वाटरफॉल सर्च करोगे तो आप आराम से चिरमादेवी वाटरफॉल के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँच जाओगे। शुरुआत में आपको एक रिवर नजर आएगी, ये रिवर क्रॉस करके आपको आगे जाना होगा और आपको दिखाई देगा चिरमादेवी मंदिर, जो कि यहाँ का एक अट्रैक्शन पॉइंट है। जैसे ही आप मंदिर क्रॉस करोगे आपको छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम्स नजर आएंगे। चिरमादेवी वाटरफॉल के बेस तक जाने के लिए आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा और ये रास्ता काफी स्लिपरी है। अगर आप ट्रैकिंग के लिए नए हो तो आप रिवर स्ट्रीम्स में भी काफी एंजॉय कर सकते हो। मैं संडे के दिन गया था इसलिए मुझे काफी भीड़ मिली। चिरमादेवी वाटरफॉल दिखने में काफी सुंदर है पर आपको यहाँ पे हमेशा भीड़ मिलेगी। अगर आप वीकडेज में आते हो तो आपको हो सकता है भीड़ कम मिले। अब मेरा नेक्स्ट स्पॉट था चिरमादेवी वाटरफॉल के ऊपर का मंदिर, जो कि उस पहाड़ के टॉप पे है। यहाँ पे जाने के लिए मुझे एक वाटर स्ट्रीम क्रॉस करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा। और ये रहा चिरमादेवी वाटरफॉल के ऊपर का मंदिर। इतने बड़े पहाड़ पे ये एक छोटा सा मंदिर काफी सुंदर लगता है। और अब मुझे करना था अपना रेंज ट्रैक, जिसके लिए मैं खास यहाँ पे आया हूँ। मुझे यहाँ से टाइगर टॉप हिल पे जाना था, जो कि कम से कम 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस होने वाला है। अब शाम के 6 बज चुके थे। ये रास्ता काफी रिस्की है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लेपर्ड्स नजर आते हैं। कम से कम आधा घंटा ट्रैक करने के बाद मुझे कुछ गाँव वाले मिले, जिनको मैंने टाइगर टॉप हिल जाने का रास्ता पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बहुत दूर है और आपको पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। शाम के 7 बज चुके थे और लकीली मुझे 2 लोग मिले जो मुझे हेल्प करने के लिए रेडी हुए टाइगर टॉप हिल पे जाने के लिए। काफी अंधेरा हो चुका था और 2 पहाड़ क्रॉस करने के बाद, जिनका नाम है पासवर्ड पाड़ा और वाक सावला, हम पहुंच गए टाइगर टॉप हिल पे।
टाइगर टॉप हिल से हम नीचे उतरे डोंगरी पड़ा के रास्ते से, और वहाँ से ट्रैक करते करते हम नीचे बेस तक पहुँच गए। और इसी के साथ आज मेरा रेंज ट्रैक कंप्लीट हुआ।